हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्दमन। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NICL पर। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हम लिब्रे राइटर पर इमेज को इंसर्ट करते हैं और किस तरीके से उसे एडिट करते हैं और किस तरीके से उसके पोजीशन को चेंज करते हैं। जैसे यहां पर आपको डॉक्यूमेंट में दिख रहा होगा, इमेज जो हमने लगा रखी है ये हमारी एक कॉर्नर से आ रही है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर भी एक इमेज कॉर्नर से आ रही है और किस तरीके से इन्हें हम साइड में लगाते हैं और उसके साइड में टेक्स्ट को लिख पाते हैं। ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, एक डॉक्यूमेंट बना लेना है जिसमें टेक्स्ट लिखना है और उससे संबंधित पिक्चर्स को या तो डाउनलोड कर लेना है या जैसे भी आप सिस्टम में अवेलेबल कर पा रहे हैं वैसे कर लेना है। मैंने यहाँ पर ये इमेजेस को डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपके पास पहले से सिस्टम है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो आप इंटरनेट की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे इमेजेस आपको मिल जाएंगे। जैसे आप कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर से संबंधित आपको इमेजेस को कलेक्ट कर लेना है। जैसे एक मैंने कंप्यूटर का कलेक्ट कर रखा है, एक सीपीयू का कलेक्ट कर रखा है। तो अब ये डाटा कैसे लिखें, तो इसके लिए इंटरनेट पर काफी डाटा अवेलेबल है, या फिर आप अपनी तरफ से बना रहे हैं, अपनी वर्ड्स में बना रहे हैं कोई फाइल को, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं या कुछ एडिट कर सकते हैं, इंटरनेट से उठा सकते हैं डाटा को। तो यहाँ पर मैंने इंटरनेट से डाटा उठाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं कुछ और भी चीजें कवर करूंगा जो कि आपके इमेज से अदर रहेंगी। जैसे कि आपका पेस्ट स्पेशल, इस ऑप्शन को मैं यहाँ पर कवर करूंगा, और साथ ही साथ आपके पिक्चर के एडिटिंग से संबंधित विकल्प को भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को फिलहाल मैं ब्लैंक कर ले रहा हूँ, कंट्रोल ए देन डिलीट बटन दबाया कीबोर्ड से, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको जिससे संबंधित डॉक्यूमेंट बनाना है उससे संबंधित पिक्चर्स को इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड करने के लिए मैंने अपना ब्राउजर ओपन किया और यहाँ पर ब्राउजर पर हमने सर्च किया। कंप्यूटर सर्च करेंगे आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, माउस सर्च करेंगे आपको माउस सर्च मिल जाएगा। आपको कंप्यूटर लिखना है, देन उसके बाद बस सर्च कर देना है। यहाँ पर मैंने माउस को सर्च कर रखा है, और यहाँ पर अगर आपको कंप्यूटर सर्च करना है तो आप सीधा लिखेंगे कंप्यूटर, देन इंटर दबा देंगे, तो कंप्यूटर से संबंधित इमेजेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ से आप कोई भी इमेज को राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पहले कोई भी इमेज जो आपको अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक करें, उसके बाद इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सेव एज, सेव इमेज एज का ऑप्शन आ रहा है, बस इस पर क्लिक करिएगा और उसके बाद बस नाम डाल के सेव कर दीजिएगा या फिर सिंपल सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका इमेज सेव हो जाएगा। ठीक है, मैंने सेव पर क्लिक किया, ये इमेज हमारा सेव हो चुका है। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर लेंगे कोई भी इमेज, किसी से भी संबंधित इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। और ये इमेजेस ही क्यों दिख रही हैं, इसका भी कारण है क्योंकि मैंने यहाँ पर गूगल में इमेज को सिलेक्ट कर रखा है। आप देख सकते हैं सभी सर्च सिलेक्ट करेंगे तो सभी चीजें दिखाई देंगी, टेक्स्ट भी दिखाई देगा, कंप्यूटर संबंधित और भी बातें दिखाई देंगी। तो आप इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे तो सारी इमेज ही दिखाई देगी, इससे आपको आसानी रहेगी इमेजेस को डाउनलोड करने में। नेक्स्ट, अगर आपको माउस डाउनलोड करना है, माउस की इमेजेस को माउस लिख सकते हैं, या आपको अन्य कोई इमेज को डाउनलोड करना है, यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, इंटर दबाएंगे, आपके वो इमेजेस आ जाएंगी। ये वेब ब्राउजर पर आपको इंटरनेट अवेलेबल होने पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मुझे कंप्यूटर से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने दूसरे टैब में, टैब दूसरा ओपन करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप कर देंगे अपना सर्च, जो भी आपको सर्च करना है। जैसे मैंने टाइप किया कंप्यूटर, देन इंटर दबा दिया। इसके बाद यहाँ पर काफी सारी सर्च आपको दिखाई देंगी, तो आपको क्या करना है, विकिपीडिया को सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर भी विकिपीडिया आपको मिलता है। विकिपीडिया पर आके आपको यहाँ पर क्लिक करना है विकिपीडिया वाले ऑप्शन पर, ये कंप्यूटर विकिपीडिया दिख रहा है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको विकिपीडिया ओपन हो जाएगा कंप्यूटर संबंधित। यहाँ से आप कंप्यूटर संबंधित सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं, यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है जिस तरीके से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक जगह पर ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिंक लगा हुआ है। अब इन लिंक्स को कैसे हम वहां पर जब कॉपी करते हैं तो ये लिंक भी साथ में जाती है, तो कैसे रिमूव करना है, क्या करना है, ये भी अपन को यहाँ पर जानकारी मिलेगी। तो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर के बारे में ये पूरा डाटा लिखा हुआ है, तो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं जहां तक आपको डाटा चाहिए वहां तक सेलेक्ट कर लिया। लाइक हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ये डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ में सी दबाना है, यानी कि कॉपी करना है। कंट्रोल के साथ में जैसे ही हम सी दबाते हैं तो ये डाटा कॉपी हो जाता है। अब इस कॉपी किए हुए डाटा को अपन अपने लिब्रे राइटर की फाइल पर पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर के ये वर्ड्स लिख के आ रहे हैं अलग अलग, तो इन पर अगर आप क्लिक करते हैं माउस से कंट्रोल के साथ में, तो ये हाइपरलिंक इसमें साथ में लगे होते हैं। अगर आप नहीं चाहते ये हाइपरलिंक लग के आए, नॉर्मल टेक्स्ट आए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको पहले कंट्रोल लिख करके डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, मैंने एडिट मेन्यू में आपको बताया हुआ है पेस्ट स्पेशल का एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल सेट प्लस बी, या तो आप उसका यूज करिएगा। अगर आपको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहिए तो कंट्रोल एल्ट शिफ्ट और वी दबाना है एक साथ, कंट्रोल Alt Shift V, ये सारे बटन दबाने हैं। तो चलिए मैंने Control Alt Shift V प्रेस किया, जैसे ही प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्लेन टेक्स्ट
यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, केवल टेक्स्ट ही टेक्स्ट आ रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें कुछ नहीं है, कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है, कुछ भी आपको इधर उधर कलर नहीं दिख रहे होंगे, सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। तो पेस्ट स्पेशल का या पेस्ट एज अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑप्शन का इस तरीके से आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो सारी चीजें आएंगी, अगर आप पेस्ट एज अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करेंगे तो वो इस तरीके का कुछ आपको दिखाई देगा। इसके बाद अपन को इमेज लगाना है। अगर इमेज अपन यहाँ पर लगाना चाहते हैं पहले टेक्स्ट की, तो आपको सिंपल जाना है इंसर्ट मेन्यू में, और इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद आपको इमेज पर क्लिक करना है, या फिर आपको स्टैंडर्ड टूल बार में यहाँ पर जो ये आइकन दिख रहा है इंसर्ट इमेज का, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इमेजेस से संबंधित इंसर्ट इमेज का डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको वो जगह सेलेक्ट करनी है यहाँ से जहाँ पर आपकी इमेज सेव है, क्योंकि अभी मैंने इमेजेस को डाउनलोड किया है तो ये हमारी डाउनलोड में है, मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रखा है इसलिए यहाँ पर डाउनलोड की इमेजेस आ रही हैं। या फिर आपके पास पिक्चर्स में अवेलेबल है तो पिक्चर्स से आप ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास डाउनलोड में, तो डाउनलोड पर मैंने क्लिक किया। अब उसके बाद मुझे लगाना है कंप्यूटर का इमेज, तो यहाँ से मैंने कंप्यूटर ले लिया और उसके बाद ओपन पर क्लिक कर दिया। अब ये कंप्यूटर का इमेज आ रहा है लेकिन बहुत बड़ा आ रहा है, ये हमें चाहिए साइड में, यानी कि टेक्स्ट इसके बगल में लिख के आए, इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए। तो आप सबसे पहले तो इस इमेज को साइज को छोटा करेंगे। साइज को छोटा करने के लिए क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनको पकड़ के बीच वाले बॉक्स को पकड़ के इधर को खींचेंगे तो इमेज आपकी इस तरीके से कुछ छोटी होगी, ठीक है, यानी कि उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। अगर ऐसे ही नीचे वाले ये पॉइंट है इसको पकड़ के ऊपर को खींचेंगे तो इससे आपकी हाइट इमेज की कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपको दोनों चीजें एक साथ कंट्रोल करना है तो आप कॉर्नर वाले बॉक्सेस को पकड़ के खींचेंगे। तो चलिए कॉर्नर वाले बॉक्स पर आते हैं किसी पर, ये कॉर्नर में बॉक्स है, इसको पकड़ा हमने, लेफ्ट क्लिक किया, पकड़ने का मतलब लेफ्ट क्लिक करना है आपको, लेफ्ट क्लिक करके इसे ऊपर की तरफ आप लेके जाएंगे, यानी कि इमेज में अंदर की तरफ लेके जाएंगे। जब आप इमेज को अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो आप देखेंगे ये इस तरीके से कुछ छोटा हो गया इमेज, लेकिन अभी हो क्या रहा है कि टेक्स्ट इसके लेफ्ट में आ रहा है, अपन को लेफ्ट में नहीं, अपन को राइट में चाहिए इसके टेक्स्ट। तो आप सिंपल एक काम करेंगे, इमेज पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहे हैं, इनको ध्यान से देखना है। इसमें एक है आफ्टर और एक में बिफोर, तो यहाँ पर इस समय टेक्स्ट क्या हो रहा है, बिफोर आ रहा है, तो अपन को क्या करना है आफ्टर वाले पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे सिंपल आफ्टर में टेक्स्ट आ गया। अब इस इमेज को आप लेफ्ट क्लिक करके उठा के यहाँ साइड से कॉर्नर से लगा लीजिएगा। अब आप देखेंगे ये टेक्स्ट आपका प्रॉपर आ रहा है। इसके अलावा अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस इमेज को क्रॉप करना है थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा एक क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, क्रॉप इमेज का, इस पर क्लिक करिएगा और देन जहां से जैसे भी आपको क्रॉप करना है उस तरीके से ये कॉर्नर पर या बीच में जो ये पॉइंट बन के आ रहे हैं ब्लू कलर के, इन पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके आप इनको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, इमेज का साइज छोटा होगा, क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपन ऊपर से भी इसे थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं क्योंकि वहां पर उसकी जरूरत नहीं है उतने पोर्शन की, तो अपन ने इसे ड्रैग कर दिया। अब इससे हमारा इमेज क्रॉप हो गया है, लेकिन क्रॉप होने के साथ आप देख सकते हैं ऊपर भी एक लाइन आ रही है। अगर आपको ऊपर वाली लाइन से कोई एतराज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप थोड़ा सा इमेज को ऊपर की तरफ स्लाइड कर दो, ऊपर की तरफ खींच दो, ये अपने आप से ऊपर वाली जो इमेज है, सॉरी ऊपर वाली जो लाइन है वो हट जाएगी, ठीक है। आपके बगल में टेक्स्ट आ रहा है, आपकी इमेज पड़ी हुई है, इमेज के बगल में टेक्स्ट आ रहा है, कुछ इस तरीके से आप लिख पाएंगे। ये तो हमारा इमेज का हो गया। अगर अपन को राइट साइड में इमेज चाहिए तो आप चाहें तो यहाँ से भी पकड़ के इसे यहाँ पर रख सकते हैं, तो राइट साइड में आपका इमेज आ जाएगा, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर टेक्स्ट आपका नीचे चला गया क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट में उसको जगह नहीं मिल रही है। तो अपन क्या करेंगे, बिफोर वाले पर क्लिक कर देंगे, तो ये आप देख सकते हैं इमेज से पहले टेक्स्ट आ गया। अगर आपको इमेज के बाद में चाहिए तो इमेज के बाद वाला आप लगा देंगे आफ्टर इमेज, ठीक है, तो यहाँ से आफ्टर इमेज हो जाएगा। इसमें भी आपको इमेज को जगह उसकी सही सेट करनी होगी जिससे कि आपका टेक्स्ट प्रॉपर दिख पाए। तो इस तरीके से आप इनको उठा के सेट कर सकते हैं, कहीं पर भी इमेज को इस तरीके से आप सेट कर पाएंगे। अगर आपको इमेज पर बॉर्डर डालना है तो यहाँ पर ये बॉर्डर वाला ऑप्शन दिया गया है, बॉर्डर्स, और यहाँ पर आप क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स कर सकते हैं या कोई एक बॉर्डर लगा सकते हैं, सारे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बॉर्डर अप्लाई कर दिए, आप देख पा रहे होंगे इमेज में सारे बॉर्डर्स आपके आ रहे हैं। अगर बॉर्डर का कलर चेंज करना है फिर से बॉर्डर इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर बॉर्डर कलर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू कर दिया। यहाँ से आप बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मोटा पतला या किसी भी स्टाइल का आप बॉर्डर ले सकते हैं, डबल वाला बॉर्डर मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को अप्लाई कर पाएंगे अपनी इमेज पर। इसके बाद अगर अपन को और कोई इमेज लगानी है, यहाँ जैसे मैंने डबल लगा रखी थी तो उस तरीके से भी इमेज लगा सकते हैं, सेम प्रोसीजर यही रहता है, और कुछ इमेज में कोई भी चेंजमेंट नहीं करना होता है। अगर आपको इमेज के कलर वगैरह में कोई करेक्शन करना है, कोई चेंजमेंट लाना है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कलर के लिए, तो इस पर क्लिक करके आप ला सकते हैं। यहाँ पर ये कलर्स दिख रहे हैं, जैसे अगर आपको इस इमेज पर ब्लू शेड डालना है तो ये थर्ड वाला जो कलर है वो ब्लू के लिए, यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू को बढ़ा दिया, जैसे मैंने वैल्यू कर दिया 20 और इंटर दबा दिया, आप देख सकते हैं कुछ ब्लूनेस इसका बढ़ गया है। इसके अलावा अगर अपन ब्लू को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 50 कर दिया, इंटर दबा दिया, आप देख सकते हैं और ब्लू नेश बढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप ग्रीन और ब्लू दोनों को बढ़ाते हैं तो एक कलर होता है टील,
वो कलर का कुछ यहाँ पर सेट आएगा, मैंने 50 कर दिया, एंटर दबाया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो कलर करेक्शन अगर इमेज पे करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आपको इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, जीरो बना रहने देना है। ऐसे ब्लू वाले में भी हम जीरो कर देते हैं तो ये लाइट सेट हमारा जैसा जैसा हमारा इमेज था कुछ वैसा ही इमेज दिखता रहेगा। चलिए तो ये तो इमेज का हो गया और पेस्ट स्पेशल का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे हम बुलेटेड लिस्ट बनाते हैं और किस तरीके से उसको तैयार करते हैं, प्रॉपरली एक बुलेट्स को चेंज करते हैं और कैसे हम नंबरिंग को चेंज करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। ये राइटर में ये सब कैसे करना है, क्योंकि राइटर आपके ट्रिपल सी से संबंधित या ओ लेवल से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, और राइटर हो गया या कैल्क हो गया या इंप्रेस हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें ही आपके ट्रिपल सी या ओ लेवल में पूछी जा रही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।